जो भी हमारे भोजपुरी भाई लोग हैं, श्रोता लोग हैं, सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जैसे कि हमारे उमेश भैया जी कहे हैं, बहुत ही अच्छी बात, और उमेश भैया के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमारे सीनियर हैं, और इस फिल्म में मैं जब ताइक्वांडो कर रहा था और हम और उमेश भैया जी जब आपस में फाइट कर रहे थे, तो उस समय मुझे चोटें भी आई, मगर हमको उमेश भैया बोले, बबलू जी हिम्मत मत हारना, दम नाम है तो दम जरूर दिखाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने बोला, भैया आपका आशीर्वाद है और हिम्मत दे रहे हैं तो बहुत खुशी वाली बात है, और बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट किए हैं हमको और हमें साहस दिए, हिम्मत दिए, और उनके साथ काम करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई मैं दिल से बता रहा हूँ, उमेश भैया जी को मैं बहुत मानता हूँ, मैं किसी से नहीं कह सकता, मानने के लिए मैं सबको मानता हूँ, मगर दिल से उमेश भैया को मानता हूँ। तो और इस दम में वाकई आपको दम देखने को मिलेगा, जिनमें जो भी लोग हैं, प्रेम दुबे जी हैं, बालेश्वर जी हैं, सीपी भट्ट हैं, प्रियंका पंडित जी हैं, माही सिंह हैं, तो बहुत ही लोग अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं लोग साथ में, और काम करने के साथ साथ हमको सीख भी मिला। और फिर नेक्स्ट फिल्म मैं करूँगा उमेश भैया को लेकर के, मैं उमेश भैया को साथ में बुला रहा हूँ। भैया जी, मैं बबलू जी का दम बहुत ज़ोरदार दमदार है, और बबलू जी दम में मेरा दम निकाल दिए हैं। फिल्म ज़रूर देखिएगा। आज तक उमेश सिंह ऐसे विलन है कि हीरो को दम निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, और सारे हीरो जो है विलन को तो मारते ही हैं लास्ट में, इन्होंने भी मार मार के मेरा दम निकाला है। लेकिन फिल्म ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़ोरदार और दमदार फिल्म है दम। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे भैया कहे हैं, और हमारे भैया हमको भी बहुत पीटे हैं, बहुत मारे हैं ताइक्वांडो से, बहुत ही मारे हैं, पब्लिक को देखने को बहुत ही अच्छा मिलेगा। एक हीरो मार खा रहा है, और किस तरह से मार खा रहा है, लहू लुहान हो जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उमेश भैया मुझे इस फिल्म में पहली बार ऐसा फिल्म किए हैं जो हीरो को मार रहे हैं। नहीं, मैं कई फिल्मों में हीरो को मारा हूँ, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही मारा हूँ, क्योंकि मैं ताइक्वांडो स्पेशलिस्ट और दुबई से आया हूँ, तो इसके वजह से फिल्म में बहुत, और इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, और बस आप मीडिया वालों का अगर सहयोग रहा तो ये फिल्म जनता तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचेगी, इसकी अच्छी पब्लिसिटी की जाएगी, और ये फिल्म बहुत ज़ोरदार तरीके से रिलीज होगी। प्रियंका पंडित के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट की मेहनत की और सपोर्ट भी की हमको। एक्चुअली पहले बार मैं काम किया तो लगा मुझे कि मैं नहीं डांस कर पाऊँगा, मैं नहीं गाना कर पाऊँगा, तो होता है ना, कुदरती कुछ चीज़ होती है, और जब हमारे ऐसे ऐसे सीनियर लोग मिलेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, तो किया। और मुझे ऐसा लगता है जैसे उमेश भैया को गदर में बहुत अच्छा पब्लिक ने बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत दिए, और पब्लिक ने चाहा गदर में उमेश भैया को बहुत ही सपोर्ट किए, और उमेश भैया को लोग लाइक किए गदर में, पवन जी के फिल्म में, तो हमको ऐसा लगता है कि दम में भी उमेश भैया को बहुत ही अच्छा प्यार मिलेगा, और दम भी फिल्म सुपर डुपर हिट होगा, मुझे ऐसा लगता है। और पब्लिक लोगों का, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इस दम में बहुत ही अच्छा मैसेज आप लोगों को मिलेगा, अब बहुत ही अलग मैसेज मिलेगा पब्लिक लोगों को। तो लास्ट में हम लोग ये कहना चाहेंगे, दम में दम है, और आप लोग जरूर दम देखिएगा, दम में दम है।